हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो टुडे लेट्स वी टॉक अबाउट हैनी एर्सेल एंड प्राग डेनिस न्यू ड्रामा सीरीज बम्बस का बीट फॉर अनदर लव। सो आई वांट टू से दैट मुझे लगता है कि ये ड्रामा अब लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि इस ड्रामा में इन्होंने जो स्टोरी दिखा दी है, जो लव केमिस्ट्री दिखा दी है प्राग डेनिस और हैनी एर्सेल की, तो ये दुनिया तो इस वक्त मुझे लग रहा है पागल हो रही है। और इस वक्त इनको फेम भी बहुत जौवन तक का मिल रहा है, बहुत अरूज पर ये जा रहे हैं और पूरी दुनिया की ड्रामा सीरीज देखने के लिए इस वक्त फुल इंतज़ार में है। हयात एंड मुराद का जो करेक्टर है, ये बहुत पुराना और बहुत ही मशहूर करेक्टर है। प्यार लफ्ज़ों में कहाँ में ये करेक्टर थे इन दोनों के, हयात और मुराद। तो एक बार इन्होंने दोबारा से फिल्म इंडस्ट्री में छलांग लगाई है बहुत ज़ोरदार तरीके से, पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है इन दोनों की लव केमिस्ट्री ने। इन दोनों ने दोबारा ड्रामा किया है तो दुनिया तो पहले ही इंतज़ार में थी कि ये दोनों ड्रामा इकट्ठे करें, क्योंकि इन दोनों की लव केमिस्ट्री बहुत मशहूर और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इन्होंने अब न्यू ड्रामा सीरीज जो जिसमें आए हैं ये बम्बस का बीट अनदर लव, तो इसमें भी इन्होंने अपनी लव केमिस्ट्री बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई है और पास्ट के साथ इन्होंने जोड़ के दिखाई है। तो इस ड्रामा सीरीज़ में प्राग डेनिस जर्नलिस्ट होते हैं बहुत मशहूर, और हैनी एर्सेल पुलिस प्रोसिक्यूटर होती है, और ये दोनों सेम ही केस पे काम कर रहे होते हैं, जिस वजह से इन दोनों का इंट्रैक्शन होता है आपस में। हैनी एर्सेल को उन पर शक होता है जर्नलिस्ट पे, प्राग डेनिस पे, जो कि इनका नाम इस ड्रामे में केनान होता है, तो और हैनी एर्सेल का नाम लैला होता है। तो इस ड्रामा सीरीज़ में जिस केस पे ये दोनों काम कर रहे होते हैं, जिनका मर्डर होता है, वो हैनी एर्सेल के बहुत अजीज होते हैं। तो वो इस सीन में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस सीन में हैनी एर्सेल शॉट होती है, फुल गुस्से में आ जाती है, ऊपर से होते हुए पुलिस प्रोसिक्यूटर हैं, तो ये फिर इनका उसमें अटैक का बड़ा ज़बरदस्त दिखाया गया, बहुत उनका डर दिखाया गया, और बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने एक्टिंग की है अपने रोल में, ये गुम हुई है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये इनको जब सुराख मिलता है, एक इनको विक्टिम मिलता, तो इस पर शॉट हो जाती है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो लेकिन जब उनको सच पता चलता है कि क्या हुआ है, किसने मर्डर किया, तो ये बहुत अफसरदा होती है बहुत ज़्यादा। तो मैं चाहता हूँ आप सभी ये ड्रामा सीरीज देखें, बहुत ही ज़बरदस्त है, और इस सबके साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी वीडियो वॉच की, थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी कीमती राय के साथ मेरे कमेंट सेक्शन में करें, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को मज़ीद मालूम आगा कर सकूँ न्यू अपडेट के साथ प्राग डेनिस और हैनी एर्सेल की। और जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा चैनल बायोग्राफी से रिलेटेड है, तो आप लोग कोई भी सवाल इनके मुताबिक मुझसे कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा, और लाइक शेयर भी लाजमी करिएगा, और सब्सक्राइब तो ज़रूरी है ना बहुत, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मैं आप लोगों की वीडियोज़ बनाता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।